किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान से अपील की है कि वो काले हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने एक्टर को चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग लेते हैं तो एक संदेश ये भी जाएगा कि सलमान खान बिश्नोई समाज का सम्मान करते हैं। देखो, वो एक समाज से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता दोरा कांट पॉइंट। राकेश टिकैत के बाद अब बिश्नोई समाज के नेशनल प्रेसिडेंट देवेंद्र बुधिया भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान बिश्नोई समाज और मानवता दोनों के दोषी हैं। सलमान खान को अगर इस सजा से माफी चाहिए तो उन्हें पब्लिकली आकर माफी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान हमारे समाज का और मानव समाज का दोषी है, क्योंकि उसने ब्लैक बक मारा है, जो उसको मारना कानूनी अपराध भी है और हमारा धर्म तो इसको कतई अलाउ नहीं करता है। हमारे समाज का तो वो 100% पक्का दोषी है और पिछले 24 साल से हम लोग ये दर्द लिए हुए घूम रहे हैं। उसको समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। समाज से माफ़ी मांगने वाले आदमी की कोई छोटा नहीं होता और माफ़ी उसको मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी मांगने से अगर शांति बनती है, राहत मिलती है और एक अच्छा काम होता है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा बिश्नोई समाज के नेशनल प्रेसिडेंट देवेंद्र बुधिया ने कहा कि कुछ लोग मीडिया में इसे बिश्नोई गैंग के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मीडिया से अपील की कि बिश्नोई गैंग ना करके इसे लॉरेंस गैंग के नाम से बताया जाए। ऐसा है कि बिश्नोई समाज एक पर्यावरण, पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए जान देने वाला, प्रकृति को बचाने वाला समाज है, और उस समाज को बिश्नोई गैंग से नाम से मीडिया ट्रोल कर रही है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिश्नोई गैंग न कहें। हमने समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है, हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, पेड़ पौधों के लिए, हमारे 29 नियम आप देखो जिसमें सारे नियम मानव जाति के काम आते हैं, उस दरमियान आप लोग जो है एक तो बिश्नोई गैंग के नाम से न संबोधित करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तथाकथित गुर्गे ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वहीं उसने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट करते हुए कहा था कि जो भी सलमान खान के साथ खड़ा होगा उसे अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बॉलीवुड स्टार सलमान खान आपस में मिले हुए हैं। हाल ही में पूर्णिया सांसद राजेश उर्फ पप्पू यादव ने एक्टर सलमान खान से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने एक्टर को आश्वस्त किया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 24 घंटे के भीतर बिश्नोई गैंग को मिटाने का भी दावा किया था। कुछ दिन पहले ही सलमान खान से एक शख्स ने 5 करोड़ रुपए रंगदारी भी मांगी थी। रंगदारी मांगने वाले को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस के अनुसार संदेश भेजने वाले व्यक्ति शेख हुसैन ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी होने का दावा किया था।